हाय गुड मॉर्निंग सर साक्षी तंजल वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले ब्रेकफास्ट हर टाइम नीचे उतर जाती है जस्ट बिकॉज मैं रात को लॉग इन थी। दे हैव दीस स्पेशलिटीज फॉर द ब्रेकफास्ट और पता लाइव किचन भी है इनका। हाय एंड दे आर मेकिंग राइट नाउ दी मसाला डोसा। सो वी गॉट व्हाट हियर, वी गॉट द वेज फ्रूट्स। पता इतनी नींद आ रही है। ओ माई गॉड, मैं तो ये उठाना भूल ही गई। आई लव दिस चटनी अ लॉट एंड ये चटनी बहुत टेस्टी है। मैं कल रात को खाई थी मैंने। एंड लेट अस पिक अप द चटनी एज वेल फटाफट से क्योंकि ब्रेकफास्ट हटने का टाइम हो चुका है। सो दैट्स फ्रूट एंड दैट्स ब्रेकफास्ट एंड हियर्स द डोसा ईटिंग। एक्सरसाइज करने के साथ ऑब्वियसली वेट लूज होना वाला बात है। एक्सरसाइज करने के बाद ना एकदम ऐसा मन कर रहा कि जाके ना बस पूल में कूद जाऊँ। आज कूद ही जाती सोच रही पूल के अंदर, आज हीट ना हो जाए। इतनी तो वैसे धूप नहीं है इतनी चुभने वाली, बट यू नो इट्स नॉर्मल धूप। अभी जस्ट एक्सरसाइज ख़त्म करिए तो ज़मीन जल रही है गाइस। मैं पूल में जाने के सोच रही हूँ। 3, 2, 1 एंड गो। ये सो फाइनली मैं पूल में आ चुकी हूँ गाइस विद स्विमिंग कॉस्ट्यूम एंड इट्स अमेजिंग। कितना वालों पर 3-4 हज़ार रुपये जो भी मैंने खर्चा वो गूगल लेने जाएंगे। मेरी आईज टाइट हो गई। क्लोरीन की क्वांटिटी बहुत 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 ज़्यादा थी पानी में। सो गाइस मैं निकल रही हूँ चौकी धानी के लिए जो कि मतलब अराउंड मेरे होटल से 45 मिनट्स दूर है। अभी 37 मिनट्स का रास्ता बचा है। पर मैं तो आपको बताना चाहूंगी कि आज बारिश हो रही है, पता चले चौकी धानी में भी बारिश हो रही है और मेरे पास छाता है। आई एम वेयरिंग द लॉन्ग स्कर्ट, पता चले कि लॉन्ग स्कर्ट ही धाड़ धाड़ हो जाए मेरी। सो देखते हैं एंड फटाफट पहुंचते हैं चौकी धानी। मैंने पहले भी कवर करी है बट यू नो दिन में नहीं करी, रात में करी है जिससे कोई अच्छा शॉट नहीं आया था। सो इस टाइम आई एम गोइंग इन द डे टाइम एंड पता है चौकी धानी में वो खिला खिला के आधा कर देते हैं, लिटरली मार देते हैं कि ये भी खाओ वो भी खाओ। बट इनका कल्चर डिशेस इज लाइक अमेजिंग। और अगर आपको चौकी धानी आप जा चुके हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ कि आप चौकी धानी जा चुके हो तो फटाफट से आप कैसा लगता है यहाँ काम करना, कितना टाइम हो गया आपको। सो गाइस मैं पहुँचते हुए चौकी धानी, दैट इज एक्चुअली द रिजॉर्ट जो बिल्कुल मेरे सामने है। और जो एंट्री है ना, मेरा मोबाइल बहुत हिल रहा है मुझे पता, मैं अभी थोड़ी देर में से गिम्बल पे लगाती हूँ। हेलो, सो दैट्स द एंट्रेंस। और कल्चर पे टीका लगाते हैं लोग। सो इफ यू वांट, नहीं टीका क्यों लगाते हैं, वेलकम के लिए लगाते हो, सही है। लेट्स गो द टिकट काउंटर। यू नो द एंट्री विद द बफे इज लाइक 1400 मतलब 1144 प्लस GST। एंड इफ यू डोंट वॉन्ट द बफे ना तो एडल्ट एंट्री इज लाइक 800, इट्स नॉट रिफंडेबल, सही है ना। यो लेट्स गो फॉर द टिकट काउंटर। ये जो है ना ये मल्टी क्यूजीन है जिसमें आपका रेस्टोरेंट है, इसमें वेज नॉन वेज दोनों है। और वो जो है ना उसमें 800 वाला तुम्हें देता है बेसिकली मतलब जो दाल भाटी चूरमा साग एंड काइंड ऑफ यहाँ की देसी डिश। सो आई एम गोइंग टू फोर 800 वाली टिकट। That's the vibe of the place. That's the entry. Totally lovable. अब मुझे लग रहा है मुझे गिम्बल लगाना पड़ेगा फॉर द शूट्स। I really want to have गोल गप्पास। और इतनी भीड़ है मगर यहाँ पे नहीं, बस यही है गोल गप्पा। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे, कितना टाइम हो गया आपको? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए यहाँ पे, क्योंकि इसको कितना टाइम हो गया इस जगह को? जगह को हो गए समथिंग 25 साल। 25 साल हो गए इस जगह को।
और रोज कितने लोग आ जाते हैं अराउंड, इतनी भीड़ होती है, अभी बढ़ेगी भीड़। 1800 आदमी रोज होता है रोज, और संडे सैटरडे तो भरा रहता होता होगा खचाखच, मतलब बहुत ज़्यादा, फिर भी अच्छा चलता है, मस्त। चलो सही है, आई गेस आपके स्टॉल पर ज़्यादा भीड़ है, बाकी सारे स्टॉल खाली नहीं है। जितनी भी यहाँ स्टॉल्स है ना, सारी पेड़ है, तो अगर आपने कुछ खाना है, इवन ये कुछ भी मटका कुल्फी, तो आपको जेब से पैसे देने पड़ेंगे चाहे वो एंट्री चार्ज से, क्योंकि जो फ्री है वो अंदर स्टार्ट होगा, डैट इज़ यहाँ का लोकल फूड। इतना शोर है ना, कॉपीराइट के तो सारे आएंगे आज के दिन, मैं ये सोच रही हूँ। सपेरा सामने बैठे हुए हैं, ओ माय, सही सेटअप है ना यहाँ पे। दिस इज आई गेस वो पुराने जमाने मूवी देखते थे ना, दैट इज मोर टाइप दिस। दिस इज जादू की जगह एंड नो टिप्स प्लीज। ओह माय, इतना सही है ना सेटअप है स्क्रीन का। आई गॉट सपेरा उड़ाने वाला इंसान है जो सपेरे को कंट्रोल कर सकता है, बट इट वॉज जादू की जगह, मेरा वो कट गया। एंड दिस इज लाइक पुराना काइंड ऑफ राम राम। यार अगर मैं इसके अंदर घुसती हूँ तो देखो हर चीज़ कितना सुपर तरीके से मेंटेन्ड है, इट्स लाइक कि घर जैसे होते हैं राजस्थान में, एंड पूरा कल्चर्ड। उई बच्चा बैठा हुआ छोटा है, देखो ध्यान से। लेट्स गो आगे थोड़ा सा। एग्जैक्टली इफ यू आर लुकिंग फॉर द फोटो शूट देन यू कैन एक्चुअली गेट इट फ्रॉम हेयर। और यार इसके चार्जेस 200 रुपये, 8 से 12 साइज फोटो 200 रुपये, 200 रुपये एक्चुअल चार्जेस। एंड डैट इज़ आई एम नॉट श्योर ये क्या है, बट यहाँ पे गेम्स हैं मेरे आगे वाली जगह पे। अब करो, सो इफ यू वांट टू ट्राई द गेम्स, तो 5 रुपये की पर गेम्स हैं, सो 5 रुपये में यू कैन एक्चुअली ट्राई दीज ऑल गेम्स। ₹5 की सारी की सारी गेम्स हैं, उन्होंने बहुत सही मेंटेन कर रखा है प्रॉपर्टी को। सो नेक्स्ट इज द नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पे आप कपड़े खरीद सकते हो राजस्थानी एंड कल्चरल स्टाइल पे, सो लेट्स एक्चुअली गो इनसाइड एंड चेक आउट कैसे कैसे सब कुछ है। लुक एट द दे हैव मेंटेन्ड इट। सो यहाँ पे ट्रेडिशनल पेंटिंग्स भी हैं। मैं Look at this bike. ये सच में बहुत प्यारी है। फिर आपका खुद का बनाया हुआ है? हाँ, यहाँ से कंपनी वाले बनाते हैं। I'm looking for the cultural skirts and cultural wear. They all are here. Look at the sunset, isn't it so beautiful? So, अगर मैं आगे चलती जाऊँ ना, there's गोदान पात्र गौशाला as well. मतलब गोदान पात्र सामने है, गौशाला है यहाँ पे. So you can actually go inside and गाय को बहुत सारा प्यार कर सकते हो, उनको चारा खिला सकते हो. And अभी यहाँ पे काम चल रहा है, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनसाइड, बट यहाँ बहुत सारी गायें हैं यार, सही है यार। सो पता है आप यहाँ पे कुछ इस तरह से मिट्टी के पोट्स भी बना सकते हैं, एंड फ्री है ये पोट मेकिंग, तो आप ट्राई कर सकते हैं। हल्का, सो दैट्स एक्चुअली द क्ले पेंटिंग दैट वी So that's भैया बना रहे हैं पूरा। भैया कितना टाइम हो गया आपको ये करते हुए? 22 साल। तो ये सारे आपके बनाए हुए डिजाइन हैं यहाँ?
गाइस ये जगह चेक करो, यहाँ पे हल्दी घाटी भी बनी हुई है। मतलब यहाँ पे पूरा सन 1326 से लेके कौन कौन से राजा चेंज हुए, एंड प्रॉपर देखो चेक कितना प्यारा बना हुआ है। ये वो वाली टॉप तो नहीं है जो चलाने में बहुत दिक्कत हुई थी आमेर फोर्ट पे ऊपर? नहीं यार मैं मजाक कर रही हूँ, नॉर्मल टॉप है। हम जा रहे हैं हल्दी घाटी के अंदर, हल्दी घाटी की कढ़ाई जो आपको सबको पता है, लुक एट दिस गाइस, दिस सो ऑसम। होप यू रिमेम्बर हल्दी घाटी की लड़ाई है ना, वाओ मुझे ऐसा लग रहा है आई गेस कि वो इस टाइम पे आ गई हूँ मैं वापस, है ना, लाइक एवरीथिंग सीम्स सो रियल राइट। नेक्स्ट आई एम एंटरिंग इन श्री तिरुपति बालाजी। ओके भैया, वो कितना टाइम हो गया, आप अच्छे लग रहे हो, बता आप पे यूनिफॉर्म बहुत सूट कर रही है। चलो नेक्स्ट जगह चलते हैं अपनी, एंड वी आर गोइंग टू वर्ड रानी का घर, रानी की जगह, एंड आई गेस मतलब आपको पता है सबसे बड़ी मतलब जो ये हुई थी जो अग्नि का वो हुआ था जिसमें रानियाँ खूदी थी वो कौन सी जगह थी आप लोगों को पता है? आप लोगों को नहीं पता तो गेस करके बताओ, मैं जगह बता देती हूँ वो कहाँ पे हुआ था इंसिडेंट, वो जैसलमेर में हुआ था जहाँ सबसे ज़्यादा रानियाँ खूदी थी, सबसे बड़ा जो अग्नि में खूदी थी, और अब मतलब उसके साथ साथ उनकी सारी दासियाँ वगैरह सब खूद गए थे। उस पर एक मूवी भी बनी है दीपिका पादुकोण की, कमेंट करके बताओ। दिस इज काली घाटी गाइस जहाँ से सारा कोयला आता है। फ्लैश नहीं चलेगी क्योंकि मेरा फ़ोन मतलब बहुत गर्म हो चुका है, बट दिस इज़ एक्चुअली मैम इन काली घाटी राइट नाउ, बस इतना ही रिकॉर्ड करते हैं। लुक एट दिस, किसने बोटिंग करनी है? चलो मैं वापसी की तरफ चलती हूँ, आई एम डन। सो दिस इज ऑल द गांव वाली फील, चेक करो गाइस, मतलब आप लोग चाहे तो मतलब यू नो कार्ट्स हैं, घोड़ा है, एंड उसके अलावा कैमल भी है, यहाँ पे एक और ड्रामनी केव है, एंड दैट्स द कैमल। मैं ये बजाने वाली हूँ गाइस, ये विश मी ऑल द बेस्ट टू रेस्टोरेंट गाइस पहले हाथ वॉश करो। चलो अभी ज्यादा लोग नहीं आए हैं बिकॉज़ अभी ये स्टार्ट हुआ है। राम राम सामने किधर? सुचने की चाट, दैट इज ये क्या है? मखन है, एंड दैट इज हरी चटनी, एंड दैट इज लहसुन चटनी, केरी का चाट। सो वी आर फुल टुडे, थाली बहुत मजेदार होने वाली है गाइस, सो इट्स गोना बी अमेजिंग व्लॉग टुडे, डेकोरेशन फ्रॉम छतरी, एंड मतलब लाइट्स चेक करो कितनी प्यारी है यार, और सामने की तरफ देखो बिल्कुल ट्रेडिशनल डेकोरेशन शीशा वाली, एंड पूरा मड हाउस जैसे है तो है ना, बिल्कुल मड हाउस टाइप्स। और भैया ये रोटियां किस किस चीज की है? खिचड़ी और मक्का, बट मतलब वो जो हम साग के साथ खाते हैं वो वाली रोटी है, साग और मक्के की रोटी। और ये क्या है? लस्सी।
छाछ, मतलब इनका मीठा भी आएगा. सो इसके बाद दीदी मुझे मेहंदी लगा रही है. दीदी आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 18 साल हो गए. रोज आते हो आप? हाँ जी. सही है दीदी. वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और आज के लिए बस इतना ही. एंड कल नेक्स्ट वीडियो अबाउट दी यू नो लोकल मार्केट और समथिंग. अगर कुछ अच्छा मिलता है तो कल नेक्स्ट वीडियो इज़ कमिंग. सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.